माई के धमवा देख के ऐसन मनवा मोर करे हो राम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सौ दोस्तों, आज निकल पड़े हैं साहेबगंज जिला के लिए, और साहेबगंज जिला में काफ़ी अच्छा मेला लगता है दुर्गा पूजा का, और काफ़ी अच्छा बड़ा बड़ा पंडाल भी सस्ता है। तो चलिए आज चलेंगे साहेबगंज और काफ़ी कुछ दिखलाने वाले हैं साहेबगंज का। भव्य तरह से पंडाल सस्ता है साहेबगंज में, और मेला भी काफ़ी अच्छा लगता है साहेबगंज का। तो चलते हैं दोस्तों साहेबगंज के लिए, और साहेबगंज वाले भैया वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग। फाइनली पहुंच गए साहिबगंज, और चलते हैं साहिबगंज कॉलोनी में। पंडाल सजा है काफी अच्छा पंडाल, तो चलते हैं अभी आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस अभी पहुंच चुके हैं साहिबगंज टॉकीज फील्ड, और काफी अच्छा यहां भी मेला लगता है दुर्गा पूजा। और देख सकते हैं पंडाल तैयार हो रहा है, बन रहा है, और साहिबगंज में कई जगह मेला लगता है। तो चलेंगे अभी और पंडाल आप लोगों को दिखाएंगे, और अभी टॉकीज फील्ड साहिबगंज का पंडाल दिया। अभी टॉकीज फील्ड से निकलेंगे और जाएंगे जिरवाबाड़ी। जिरवाबाड़ी में काफी बहुत भव्य पंडाल बनाया जाता है, और चलेंगे वहां का पंडाल देखेंगे, काफी अच्छा बड़ा बहुत बड़ा पंडाल वहां बनाया जाता है। तो चलेंगे दोस्तों, चलते हैं जिरवाबाड़ी। तो सो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक। अरे गुजर ले नजरी से जो पुरते गुजरी यह धड़के ला जो रे। पहुंच चुके हैं जिरवाबाड़ी, और जिरवाबाड़ी में काफी अच्छा भव्य पंडाल बना है दुर्गा पूजा का। और गाइस चलते हैं, काफी बहुत बड़ा पंडाल बना है, और अभी मैं टॉकीज फील्ड से चल के जिरवाबाड़ी आए हैं। तो चलते हैं वहां पर, देखते हैं कि आखिर में कैसा पंडाल बना है। काफी बड़ा पंडाल बना है यहाँ। फाइनली पहुंच गए दुर्गा पूजा पंडाल में। काफी भव्य पंडाल बना है साहिबगंज का सबसे बड़ा पंडाल, और साहिबगंज में कई जगह मेला लगता है। पुलिस लाइन में मेला लगता है, टॉकीज फील्ड में भी मेला लगता है, कई जगह यहां पर मेला लगता है। लेकिन पंडाल की बात बोले तो सबसे बड़ा पंडाल यहीं पर जिरवाबाड़ी में लगा है। और चलिए पूछते हैं यहाँ के जो पंडाल बना है, कितने दिनों से पंडाल बन रहा है और कितना लागत है। खर्चा भी काफी बहुत दिन काफी खर्चा हुआ होगा इतना बड़ा पंडाल बनाने में। तो चलिए दोस्तों, भव्य पंडाल बन रहा है, यही है मिस्त्री यहाँ के। कहाँ से आए हैं भैया आप? जंगीपुर बंगाल से। जंगीपुर बंगाल? जंगीपुर बंगाल से आए। और कितने दिन से ये बन रहा है? एक महीने से बन रहा है, और काफी भव्य पंडाल बन रहा है। और साहेबगंज का सबसे बड़ा पंडाल यही हुआ जिरवाबाड़ी में, काटरगंज में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भैया देखने आए हैं पंडाल के लिए, तो भैया पंडाल देखने के लिए आए। कितना दिन से बन रहा है ये पंडाल? लगभग 25 दिन हो गए। लगभग 25 दिन, एक मंथ हो गया। अच्छा, एक मंथ से ये इतना बड़ा पंडाल बन रहा है, मतलब साहेबगंज में सबसे बड़ा यहीं पर पंडाल बना? साहेबगंज में सबसे बड़ा पंडाल यहीं पर। अच्छा,
और काफी अच्छा मेला भी बहुत बड़ा मेला अच्छा मेला लगता है, बहुत धूमधाम का अच्छा सब चीज व्यवस्था रहता है। अच्छा तो काफी अच्छा मेला भी लगता है यहीं पर और साहिबगंज का सबसे बड़ा पंडाल यही हुआ दोस्तों। तो चलिए आगे और किसी से पूछते हैं, आइए आप लोग मिस मत कीजिएगा साहिबगंज का जीरवावड़ी काटरगंज में जो भव्य तरह से पंडाल बना है, काफी बहुत बड़ा पंडाल बना है, साहिबगंज का टॉप पंडाल। तो मेला देखना मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, ये काटरगंज का मेला काफी भव्य पंडाल भी बना है। तो सो दोस्तों चलते हैं आगे और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो जरूर पेज को फॉलो कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माई हमारा